Subscribe and press the bell icon for latest update. सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध की आंच अब हरियाणा में भी पहुंच गई है। कुरुक्षेत्र के एक मॉल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बीते दिनों 20 से 22 लोगों का झुंड एक मॉल में घुस आया और मॉल के अंदर तोड़फोड़ की। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में कुछ लोगों की पहचान की गई है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन्होंने फिल्म पद्मावत को नहीं दिखाने का फैसला किया है वह एक अच्छा फैसला है, लेकिन जो सिनेमाघर इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों फिल्म पद्मावत का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने एक मॉल में घुस आए और उन्होंने मॉल के कई शोरूम में तोड़फोड़ की और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने हथौड़े से मॉल के शीशे तोड़ डाले। हैरानी वाली बात तो है कि मॉल में यह तोड़फोड़ उस वक्त की गई थी जब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिनेमाघरों को सुरक्षा इंतजामों का भरोसा दिला रहे थे। इससे पहले NCR में भी कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। नोएडा DND फ्लाईओवर पर बने एक टोल बूथ पर लोगों ने खूब तोड़फोड़ की। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।